नाम संत रविदास। आदरणीय प्रेमियों, हर वर्ष की भांति आप लोग इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास से यहाँ इकट्ठा हुए हैं और गुरु महाराज स्वामी सम्बन्धदास जी के सानिध्य में बैठ करके जो हमें आप लोगों को सतगुरु महाराज स्वामी सम्बन्धदास जी ने नियम कानून बताए हैं, उन नियमों के द्वारा सत्संग सुनने का और सत्संग करने का जो अवसर मिला है उसे बड़े प्रेम पूर्वक निभा रहे हैं। अभी सत्संग की कार्रवाई प्रारंभ होगी। आज की सभा में जो उपाध्यक्ष महोदय हैं महात्मा मेहता दास जी, उनसे निवेदन है वो कृपया 2 मिनट अपनी बात रखें सत्संग को सुचारू रूप से चलाने की दिशा निर्देश करें। और उससे पहले मैं आपको एक पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मेरे हाथ में एक पुस्तक है, किताब है, ग्रंथ है, सतगुरु सम्बन्धदास अमर ज्योति, जो हमारे उपाध्यक्ष महोदय महात्मा मेहता दास जी ने अपने जीवन भर में मेहनत करके इस पुस्तक का निर्माण किया है। और इसमें आपको गुरु महाराज की वाणियां, शब्द वाणियां, साखियां मिलेंगी। जिस प्रेमी को चाहिए वो ले सकता है। इसकी कीमत भी कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 50 रुपए की कीमत रखी गई है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। जिसे भी चाहिए वो पुस्तक ले सकता है। यहाँ स्टेज के पास ही इधर महात्मा बबलू दास जी और महात्मा श्री सतबीर दास जी बैठे हुए हैं, इनसे प्राप्त कर सकता है। अब महात्मा मेहता दास जी जो हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, आप लोगों को सत्संग के बारे में दिशा निर्देश करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। गुरु प्रेमियों को सतनाम सत्काय। देखिए प्रेमियों साथियों, सतगुरु की साथ संगत, वैसे तो मुझे जो मैंने किया है कि बोलना बंद है, लेकिन दो बातें मैं आप लोगों के सामने कहूंगा। देखो, हम सबके पास में 3 वस्तु है, हम सभी के धोरे है भी 3 वस्तु। वे कौन सी है? जिनको हम कहते हैं तन मन धन सतगुरु को अर्पण करना। लेकिन सतगुरु साहिब कहते हैं अगर जो तू शिष्य बनना चाहता है तो मेरे विचारों का सुचा। उन्होंने कहा धन से सेवा और धन से परमार्थ और मन से इनको मेरे वचन का पालन। ये तीनों बात सतगुरु साहिब ने हमें बताई। अब इसके बाद में बताई है 4 बातें। वे कौन सी हैं? त्याग बढ़ा के भक्ति बढ़ी, भक्ति बढ़ी के वैराग, वैराग बढ़ा के योग। ये 4 साधन, ये हर आदमी के लिए 4 साधन है। सबसे पहले त्याग, किस चीज का? विषयों का, गंदे खान पीन का, गंदे चाल चलने का, गंदे बोल का, क्योंकि यही छुटाने के लिए सत्संग किया जाए। पहले त्याग करें, त्याग से मिलेगा क्या? भक्ति होगी। भक्ति कोई पूरे दरख्त नहीं है, मैं किसी किताब का नाम है। भक्ति कहते हैं त्याग की शक्ति। जैसे सतगुरु स्वामी सम्बन्धदास जी ने अपने जीवन काल में वो शक्ति बनाई जो कि हम सब देश विदेश पर उनका नाम चल चुका। उस शक्ति से, शक्ति से क्या होगा? वैराग। वैराग कहते हैं लगन को, जो इसमें बढ़ तो गया
पर लिए उनका वचन ना कर। और उसके बाद योग, योग का मतलब क्या है? सारा रूप तेरा ही है और कोई है नहीं, सत्संग का भी रूप एक है। तू दो से होता है, एक वक्ता एक श्रोता। अगर वक्ता की बातों को श्रोता आता है तो पूरा सत्संग उसके अलावे। तो प्रेमी मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतने शब्दों में ही मैं ग्राम देता हूं। तो मुझे डॉक्टर ने मने किया है और नारा लगा दे चार साल का बोलिए कौन सन सरो मेरी सदगुरु रविदास की, कौन सन सरो मेरी सदगुरु रविदास की, कौन सन सरो मेरी जान विष्णु की, कौन सन सरो मेरी सदगुरु सनंदास की, कौन सन सरो मेरी सदगुरु सदगुरु सनंदास की। आज के सत्संग की हमारे संत धर्म की ओ दादा सतनाम दादा अभी आपके सामने आ रहे हैं संचार। ये बारी बारी से वक्ताओं के नाम बताएंगे, वक्ता उन बातों पर ध्यान दे उन्होंने क्या कहा और वो क्या कहे। सतनाम सत्संग। हेलो,